इन दिनों कश्मीर के मंसूर अहमद अली काफी चर्चा में हैं, और हो भी क्यों ना, जिनकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हो उनमें कुछ तो बात होगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मंसूर अहमद अली का जिक्र किया था। उन्होंने कश्मीर में 100 लोगों को रोजगार दिलाया है और इसी बात की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में भी की। अब इस बात से मंसूर अहमद काफी खुश हैं कि उनके इस छोटे से कदम को प्रधानमंत्री ने सराहा है। इस समय मंसूर अपने व्यापार के जरिए 15 स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। आज उनका इंटरप्राइज 1 करोड़ का है, जिसके जरिए वो 100 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देने के काबिल हो पाए हैं। मंसूर पूरे भारत में तकरीबन 90% लकड़ी, जिसका इस्तेमाल पेंसिल्स बनाने के लिए होता है, इसमें डील करते हैं। आज मंसूर द्वारा ही सप्लाई की जाने वाली पॉपुलर की लकड़ी से बनी पेंसिलें 77 देशों में उपलब्ध हैं, जहां उन्हें विभिन्न भारतीय ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। मंसूर को उनके गृह जिले में मंसूर पेंसिल के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनके परिवार के लिए ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के जरिए उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया। हमें यहाँ आकर रोजगार मिल रहा है, हमने बहुत पढ़ाई की, हमें जॉब नहीं मिल रहा है। हम ना जब अगर ये फैक्ट्री खुली रहेगी तो हमें घर वालों को अच्छी तरीके से रोजगार मिल रहा है और पैसे दे रहे हैं, हमें घर वाले खुश रह रहे हैं अच्छे से। और हम यही गुजारिश करते हैं कि फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए। कि नमस्ते, मैं हूँ कविन देमारी, मैं आसाम से हूँ, यहाँ 7 साल से काम कर रहा हूँ। मंजूर जी की फैक्ट्री में काम करके अच्छा लगा है, हमें रोजगार भी अच्छा ही मिल रहा है और सारी दुनिया में, ओल्ड में और इंडिया में, क्योंकि हमारा यहाँ से जाता है सारा पेंसिल बन के, तो हमारा काम भी अच्छा हो रहा है, इधर रोजगार भी कमा रहे हैं हम लोग, हमारा घर उसी से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम फारूक अहमद है, मैं यहाँ बेस्ट मैनेजर इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, जिसका नाम है जेलम एग्रो इंडस्ट्री ऊखू काकापोरा। यहाँ कमोबेश 150 से 200 बंदे काम कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो मटेरियल जो फैक्ट्री में काम आता है वो पॉपुलर वुड है, उसको हम मुख्तलिफ साइजों में बना के फिर उसके स्लेट बनाते हैं, जो हम बाहर रियाद से बाहर भेजते हैं, जम्मू भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, जहाँ से इसके पेंसिल, मतलब पेंसिल प्रोडक्ट जो बनता है, पेंसिल बन के आता है, जो सारी हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी बच्चे हैं वहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये फैक्ट्री तो पहले एक छोटा मोटा कारखाना था, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए, तरक्की करते गए थोड़ी बहुत। पहले हम लॉग ही, मतलब जम्मू भेजते थे, सांगवी वुड्स में हम लॉग पहले भेजते थे, फिर उस लॉग को हमने यहीं पर रिसाइज करना शुरू किया, फिर सान की शक्ल में, छोटे छोटे गुटके की शक्ल में वो जाने लगा। धीरे धीरे उन्होंने बोला कि नहीं जी, आप हमें स्लेट चाहिए, क्यों ना आप लोग उधर ही बना के दोगे, तो फिर उनके साथ टाइप होकर हमने मशीनें मंगाई। ये 2011-12 से, मतलब ये कारखाना फिर इस पेंसिल, मतलब स्लेट बनाने के रास्ते पर गामजन हो गया, तब से खुदा के फजल करम से बहुत बढ़िया से चल रहा है। हिंदुस्तान पेंसिल के साथ हमारा रहा, उन्हीं के साथ हम काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान पेंसिल के साथ। ये यही पेंसिल वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, खाली इंडिया में नहीं बल्कि बाहरी मुल्कों में, तकरीबन 60 ममालिक में वो ये पेंसिल हमारा, जो हमारे इस लकड़ी से बनता है, पॉपुलर लकड़ी से बनता है, तकरीबन 60 ममालिक में वो इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं।